na 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 na. Jago, ab to jago. Sari duniya ki hai nazar hum par. Aisa kuch karke dikha do is duniya ko. Ye hum nahi, ye hum nahi, ye hum nahi, ye hum nahi. Hum to. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम दोस्तों, ये पहले तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जो हक है, हमें बेसिक जो ह्यूमन राइट है, इंसान का जो हक होता है वो होता है गटर के ढक्कन हो, रोड बने हुए हो, स्ट्रीट लाइट हो, तालीम हो, हेल्थ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और एक इंसान की लिविंग स्टैंडर्ड हो, और इंसान की वैल्यू हो, कानून हो। लेकिन यहाँ पर देखें, अभी मैंने गटर फिक्स किया है, आपके उस तरफ एक स्कूल है, बहुत ही बड़ा स्कूल है, वहाँ से बच्चे आते हैं, इस तरफ एक स्कूल है, और मेरे पीछे एक जो हमारे इस एरिया के जो सिंध के जो गवर्नमेंट है उसका हेडक्वार्टर है। तो एक मेन शाहरा पे ऐसे खुला हुआ गटर, आम लोग आते जाते हैं, बच्चे आते जाते हैं, कोई भी गिर सकता है। कुछ ही दिनों पहले एक 2 साल बच्चे की डेथ हो गई थी इसी एरिया में, और इस गटर खुले हुए ढक्कन हो जाते हैं। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि जो हम टैक्स देते हैं, हम हर चीज़ से टैक्स देते हैं, खाने पीने से, हम जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं हम टैक्स देते हैं ईमानदारी से, लेकिन क्या हमें वो टैक्स मिलता है वापस? और जो 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 गवर्नमेंट जो अपना टाइम पीरियड स्पेंड कर चुकी है, हमारा टैक्स मनी कहाँ गया? जो पूरे 5 साल में हमारा टैक्स जो उन्होंने इकट्ठा किया है, उन्होंने जमा किया है, वो कहाँ गया? अब ऐसे मैं समझता हूँ, मेरी एक आम शहरी की डिमांड है, सुप्रीम कोर्ट से डिमांड है, और उन इदारों से डिमांड है कि इन लोगों की इनसे इनकी तहकीक इन्वेस्टिगेशन की जाए, और इनसे हमारे पैसे वापस लिए जाए जो उन्हें करप्शन करके खा लिए गए और बाहर मुल्कों में भेज दिए गए। तो मेरा आज ये करने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट तो आती जाती रहेगी, लेकिन वो लोग जो करप्शन करते हैं उनसे वो पैसा एक आम शहरी को वापस चाहिए, और वो फैसिलिटी वापस चाहिए। तो मेरी डिमांड है, और मैं चाहता हूँ कि आप भी डिमांड करें, और इस टाइम इस वक्त इलेक्शन जो होगा उस पर अपना अपने आप की नहीं, बल्कि अपने मुस्तकबिल की, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की, उस पर मुस्तकबिल रख के जहन में फिर फैसला कीजिएगा, और सच्चे और ईमानदार शख्स को वोट दीजिएगा, ताकि आने वाला वक्त कुछ बेहतर नजर भी रहे।